आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर वन का चैप्टर फाइव का ये हमारा भाग सिक्स है और ये आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले वाला अगर भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, प्लेलिस्ट के वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ये आज इसका ये अंतिम ये भाग ये अंतिम है, इसमें पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जैसे हम मॉडल सेट देते हैं वैसे मॉडल सेट दिया जाएगा इस चैप्टर का भी मॉडल सेट। बाकी जितने भी चैप्टर कंप्लीट हमने करवाया चार तक, चारों का मॉडल सेट दिया गया है। अगर आपने उस मॉडल सेट को नहीं देखा है तो ये टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबका हमने मॉडल सेट दे दिया है, अब इसका भी मॉडल सेट दिया जाएगा कब, जब ये इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे तब। तो आज ये अंतिम है, इसको पढ़ लीजिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव। और देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं, यहाँ से जैसे ये दर्शन के प्रवर्तक होगा ये, और या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उत्तर ये वैदिक काल और ये हड़प्पा सभ्यता के बीच अंतर भी लिखने के लिए आता है। तो अंतर भी अभी हम बताएंगे कैसे लिखा जाएगा और शॉर्ट में उसको याद कैसे करें। वैदिक काल और हड़प्पा काल के बीच आता है अंतर लिखने के लिए, तो उसको शॉर्ट में हम याद कैसे करें, और इनका एक धार्मिक जीवन नहीं देखे थे, बाकी सब सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन ये सब देख लिए थे, सिर्फ इनका धार्मिक जीवन नहीं पढ़े थे, तो धार्मिक जीवन भी पढ़ेंगे। तो हमें लगता समझ में आ गया होगा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले ये प्रवर्तक थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए ये दर्शन के नाम है ये, और ये उनके प्रवर्तक है। प्रवर्तक कौन कौन है, जैसे दर्शन का नाम चरवाक है, तो चरवाक का प्रवर्तक कौन है, चरवाक ही है। योग के जो रचना किसने किया है, पतंजलि ने, योग का पतंजलि। सांख्य दर्शन का रचना किसने किया है, कपिल ने। ध्यान रखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा एकदम, इसको अपने नोट्स में अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। न्याय दर्शन का ये गौतम है, ध्यान रखिएगा। न्याय दर्शन का पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण और वैशेषिक कणाद। अब देखिए इसमें से हम महत्वपूर्ण बता रहे कौन कौन है, एक दो और तीन, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये भी आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तीनों जरूर महत्वपूर्ण है। योग का पतंजलि, सांख्य कपिल और न्याय के गौतम, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, ये तीनों महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी इनके थोड़ा सा धार्मिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। इनके धार्मिक जीवन के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, यानी कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन आपने ऋग वैदिक काल में क्या पढ़ा था, कि ऋग वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, यज्ञ करते थे और ज्यादा कुछ नहीं था उस समय, सिर्फ ऋग्वेद ही था, छोटे मोटे यज्ञ होते थे और उनका हाँ धर्म में भरोसा था, और छोटे मोटे भौतिक सुख के लिए अपने, मान लीजिए कोई भी भौतिक सुख के लिए वो यज्ञ करवाते थे या पूजा पाठ करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये ना कि इनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में वृद्धि हुआ और इन लोग कृषि करने लगे, व्यापार भी करने लगे, उद्योग भी करने लगे, ये लोग थोड़ा धनी होने लगे। अब धनी होंगे तो पुराना तरीका से ये धार्मिक अनुष्ठान बनाएंगे नहीं, अब ये क्या करने लगे, ये इनके जो धार्मिक अनुष्ठान है यानी यज्ञ है उसमें बढ़ोतरी होने लगी, यज्ञों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया और यज्ञ बड़े बड़े होने लगे, छोटे नहीं, अब महीनों तक यज्ञ चलते थे, उस समय होता था कि दो चार दिन में यज्ञ खत्म, लेकिन अब क्या होने लगे इस काल में, महीनों तक यज्ञ चलने लगे और इसमें बहुत ज्यादा धन खर्च होने लगा और साधारण जो लोग थे ना उनके अब पहुंच से ये बाहर होने लगा। देखिए समाज में कुछ ही लोग होते हैं जो व्यापारी होते हैं या बड़े कृषक होते हैं, बाकी सब कृषक के साथ, बाकी सब तो मजदूर ही रहते हैं, व्यापारी के साथ भी मजदूर ही रहते हैं, जो साधारण लोग हैं उनके पहुंच ये सब बाहर होने लगा, लेकिन ये कुछ लोगों के पहुंच के पास था, ये लोग वो लोग यज्ञ करते थे, करवाते थे यज्ञ, और ये महीनों तक यज्ञ चलने लगा और इसमें ब्राह्मण की और महत्ता बढ़ गई। ब्राह्मण में कौन कौन आते थे, पुरोहित, राज पुरोहित आते थे, ये सब ब्राह्मण में आते थे, इनकी और आचार्य भी आते थे और ये वैद्य भी आते थे इसी में, तो ये इनकी महत्ता क्या हो गई, बढ़ने लगी। तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे इसमें नोट्स में, ये सब लिखते जाइएगा नहीं तो सब भूल जाइएगा, बताएं फिर भूल जाइएगा। सामाजिक और आर्थिक जीवन में वृद्धि, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन उन्नत होने के साथ साथ आर्थिक जीवन उन्नत होने के साथ साथ इनका धार्मिक जीवन में भी बदलाव आया। अब जो यज्ञ थे, यज्ञ अब महीनों तक चलने लगे, अब यज्ञों की संख्या में वृद्धि हुई
संख्या में अब धानी लोग होंगे तो तनी मनी जो धानी अब होते जाएगा वो यज्ञ करवा रहा है। देखिए यज्ञ क्यों कराते थे वो भी बताएंगे, यज्ञ करवाते क्यों थे। यज्ञों की संख्या में वृद्धि हुई और बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, बड़े बड़े यज्ञ होने लगे जिसके कारण ब्राह्मण की महत्ता बढ़ गई, जिसके कारण ब्राह्मण की महत्ता बढ़ गई। अब समझिए यज्ञ क्यों करवाते थे। ये को तो प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, प्राकृतिक आपदा जानते हैं क्या क्या होता है ना, प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए ये करवाते थे कि हाँ हम अगर यज्ञ करवाएंगे तो प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, और जो भी भौतिक सुख थे उनके जीवन में जो भी कार्य करते थे उसमें ताकि आगे और बढ़े और तरक्की करे इसके लिए क्या करवाते थे, वो यज्ञ करवाते थे। और भौतिक सुख के लिए भी यज्ञ करवाते थे, और आपदा से बचने के लिए कोई आपदा ना आए इससे बचने के लिए वो लोग क्या करवाते थे यज्ञ। तो पैसा था तो उन लोग यज्ञ करवा, पैसा मतलब धन था तो वो लोग क्या करवाते थे यज्ञ करवाते थे। और वो सब व्यापारी हो गए थे, कोई बड़ा कृषक हो गया था, और उसमें राजा भी उत्पन्न होने लगे थे, राजा बड़े बड़े ब्राह्मण होने लगे थे। तो ये सब लोग यज्ञ करवाना तो ब्राह्मण का काम था, और ये तो उसमें कौन कौन थे ये सब राजा भी, और राजा जब भी राज्याभिषेक करवाते थे क्योंकि राजा बड़े बड़े उत्पन्न होने लगे थे, तो जब भी राज्याभिषेक करवाते थे क्या करते थे, राजसू यज्ञ करवाते थे। कौन सा यज्ञ, राजसू यज्ञ करवाते थे। और इसमें ब्रह्मा और विष्णु की पूजा होने लगी ब्रह्मा और विष्णु की पूजा होने लगी। उसके बाद इनका जो धार्मिक यानी कि यज्ञों की संख्या में वृद्धि हुई और ब्रह्मा और विष्णु की पूजा होने लगी। उसके बाद इनका जो धार्मिक जीवन था, ये धार्मिक जीवन में क्या हुआ, और ये वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने के कारण साधारण लोगों के पहुंच से बाहर होने लगा, ये सब वर्ण व्यवस्था में कठोरता ध्यान रखिएगा, ये सब में लिखना। चलिए तो हम लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, वैदिक काल और हड़प्पा काल में अंतर देख लेते हैं कि इनके जीवन के बीच में क्या अंतर था, मतलब अगर लिखने के लिए आता है ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच के जीवन के लिखने के लिए तो शॉर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे याद किया जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, चलिए इसको हम अब मिटाते हैं। आप देख लेते हैं वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर। देखिए लिखेंगे इसमें निम्न अंतर है, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न अंतर है। वैदिक सभ्यता और एक था हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा या सिंधु घाटी लिख दीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता, दोनों तरफ लिखा गया ऐसे, या ऐसे करके भी आप इसको अपने नोट्स में बना सकते हैं, ऐसे नोट्स में बना सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही लिखेंगे अभी। तो पहला नंबर में इधर भी पहला नंबर डाल दीजिए, पहला नंबर में क्या लिखेंगे, ये लोग ग्रामीण थे। यानी कि आप देखिए अगर आपको बड़ा में थोड़ा सा लिखना है, आपको शॉर्ट में बता रहे हैं हम ना, अगर बड़ा में आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय थे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिख रहे हैं ये लोग ग्रामीण थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लोग शहरी थे या नगरीय, ये लोग नगर में रहते थे, ये लोग शहरी थे, या लिख सकते हैं इनकी सभ्यता ग्रामीण थी, इनकी सभ्यता शहरी थी। चलिए अगला है, अब इनको थोड़ा समाज के बारे में, इनका समाज कैसा था बताइए, तो दूसरा नंबर इनका समाज मात्र सत्तात्मक था कि पितृसत्तात्मक था, समाज पितृ सत्तात्मक था। यहाँ पर समाज क्या था, यहाँ पर लिख सकते हैं इनका समाज मात्र सत्तात्मक, यानी मात्र हम सिर्फ शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिख लीजिए, मात्र सत्तात्मक। अब देखिए समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था, यहाँ पर समाज नहीं लिख रहे, ठीक है, समाज मात्र सत्तात्मक। उसके बाद समाज के बाद ये लोग कौन कौन से धातु से परिचित थे, ये लोग लोहा से परिचित थे, लोहा से ठीक ठाक परिचित थे क्योंकि वैदिक सभ्यता, ये उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हो ही गया था, ये लोग लोहा
चांदी तथा सोना से परिचित थे, सोना से परिचित थे। अब यहाँ पर क्या लिखना है, ये लोग किससे परिचित थे, मुख्य इनके धातु क्या था, कांसा, ये लोग कांसा से परिचित थे, कांसा से परिचित थे और लोहा से अपरिचित थे, लोहा से अपरिचित थे, लोहा से अपरिचित थे, अपरिचित थे, लोहा से अपरिचित थे। उसके बाद इनके थोड़ा, ये लोग घोड़ा से परिचित थे या नहीं थे, तो ये लिखेंगे ये लोग घोड़ा से परिचित थे, ये लोग घोड़ा से परिचित थे, घोड़ा से परिचित थे। और इसमें क्या लिखेंगे, ये लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे, ये लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे, घोड़ा से परिचित नहीं थे, ये लोग घोड़ा से। अब इसके बाद ये लोग युद्ध करते थे, कौन युद्ध करते थे, ये लोग वैदिक सभ्यता के युद्ध करते थे, और ये लोग क्या करते थे, युद्ध नहीं करते थे, युद्ध नहीं करते थे, यानी कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग युद्ध नहीं करते थे। अब इनकी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इनकी जो शिक्षा थी वैदिक सभ्यता के लोग, शिक्षा मौखिक थी, यानी मौखिक, क्योंकि वेदों को पढ़ कर रहा ही सुन सुन कर याद किया जाता था, ये शिक्षा मौखिक थी और इनके चित्रात्मक लिपि थी, लिपि कैसी थी, इनकी इनकी चित्रात्मक चित्रात्मक लिपि थी। चलिए इतना हो गया, ये बस इसको नोट में बना लीजिएगा और एक दो बार पढ़ लीजिएगा, सब याद हो जाएगा, कुछ नहीं तो करना है, क्या है, ये ग्रामीण थे, शहरी थे, पितृ सत्तात्मक मातृ सत्तात्मक था, लोहा से परिचित थे, लोहा से परिचित नहीं थे, घोड़ा से परिचित थे, घोड़ा से परिचित नहीं थे, युद्ध करते थे, युद्ध नहीं करते थे, और उसके बाद शिक्षा मौखिक थी, इनका शिक्षा इनका इनके चित्रात्मक लिपि थी। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, इसमें आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसका हम मॉडल सेट देंगे, मॉडल सेट टेलीग्राम ग्रुप में देंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।